सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर को लेकर लोगों ने योग गुरु बाबा रामदेव की कड़ी आलोचना शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि स्वदेशी सामान के इस्तेमाल पर जोर देने वाले बाबा रामदेव ने खुद अपने घुटनों का ऑपरेशन जर्मनी में करवाया है। वायरल फोटो किसी अस्पताल का लगता है, जहां बाबा रामदेव के पास खड़े कुछ लोग उन्हें गिलास से कुछ पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो से जुड़े कैप्शन में लिखा है, करो योग रहो निरोग, योग गुरु रामदेव के घुटनों का जर्मनी में सफल ऑपरेशन, तुम स्वदेशी अपनाओ। ये आदमी ही कहता था ना मूत्र पीने ना गोबर खाने से फला रोग ठीक होता है, ढिमका रोग ठीक होता है, खुद खाता नहीं दूसरों को खिलाता है। दस्तक 24 ने अपनी हकीकत टेस्ट में पाया कि फोटो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। यह तस्वीर जून 2011 की है, जब बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। खोजने पर पता चला कि भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी दिनों से वायरल हो रहा है। फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमें जून 2011 में छपी द हिंदू बिजनेस लाइन की एक खबर मिली, जिसमें इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार से सख्त भ्रष्टाचार विरोध कानून की मांग करते हुए 9 दिन का अनशन किया था। बाबा रामदेव ने ये अनशन 4 जून को हरिद्वार के एक आश्रम में शुरू किया था। अनशन के 9 दिनों बाद बाबा रामदेव की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद उन्हें देहरादून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान श्री रविशंकर और मोरारी बापू ने पानी पिलाकर बाबा रामदेव का अनशन तुड़वाया था। ये तस्वीर भी उसी समय की है। इस बारे में हमारी बात बाबा रामदेव के प्रवक्ता एसके तिजारा वाला से भी हुई। उनका कहना था कि ये पोस्ट काफी दिनों से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, जो सरासर झूठ है। इस मामले में उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट किया था। इसी तरह एक पोस्ट 2018 में भी जमकर वायरल हुआ था, जिसमें दावा था कि बाबा रामदेव ने अपने घुटनों का ऑपरेशन जर्मनी में करवाया है। उस समय कई मीडिया हाउस ने इस खबर का खंडन किया था। आपको हकीकत पता चल गई होगी। खबरों के लिए बने रहिए दस्तक 24। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।